स्टार्ट हो जाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका सब्जेक्ट EVS यूनिट 1 वी एंड आवर नीड्स यानी कि हम और हमारी ज़रूरतें या आवश्यकताएं, चैप्टर 1 आवर फैमिलीज हमारे परिवार से शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे, बुक रीड करेंगे हम, आवर फैमिलीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन है, काव्या फ्लिप्ड थ्रू द फैमिली एल्बम, यानी कि काव्या ने अपने परिवार के एल्बम को पलटा या निकाला। ही लव्ड लुकिंग एट हिज पेरेंट्स वेडिंग फोटोग्राफ्स। वेडिंग फोटोग्राफ्स जैसे कि मैंने वर्ड मीनिंग राइट किए थे उसमें बताया था, शादी की तस्वीरें। वह अपने माता पिता की शादी की तस्वीरों को बड़े प्यार से देख रहा था। ही पिक्ड अप अनदर एल्बम, उसने दूसरे एल्बम को उठाया। पिक्ड मीन होता है उठाना। इट हैड फोटोग्राफ्स ऑफ काव्या एंड हिज सिस्टर सुहानी एज लिटिल बेबीज। इसमें काव्या और उसकी बहन सुहानी दोनों की तस्वीरें थी जब वे छोटे थे। देयर वर आल्सो हिज ग्रैंड पेरेंट्स लुकिंग मच यंगर। इसमें उसके दादा दादी की भी तस्वीरें थी जो कि उसमें यंगर यानी कि जवान लग रहे थे। नेक्स्ट शुरू करेंगे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का अर्थ होता है वंश वृक्ष बोलते हैं। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि एक परिवार उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं एंड रिलेटेड टू ईच अदर और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जस्ट एज ए ट्री ग्रोज एंड गेट्स बिगर, जिस प्रकार से कि एक पेड़ बड़ा होता है एंड गेट्स बिगर और बढ़ता ही जाता है। ए फैमिली आल्सो ग्रोज एंड गेट्स बिगर, एक परिवार भी बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। अब देखेंगे नीचे, लुक एट काव्यास फैमिली पिक्चर, काव्या के परिवार की तस्वीरों को देखेंगे हम। यदि ये ग्रैंडफादर रमेश गर्ग, ये काव्या के दादाजी हैं जिनका नाम है रमेश गर्ग, और इनके नीचे वाली पिक्चर दी गई है ग्रैंड मदर सुशीला गर्ग, यानी कि काव्या की दादी जी हैं जिनका नाम है सुशीला गर्ग, और नेक्स्ट है फादर संदीप गर्ग, काव्या के पापा जी हैं उनका नाम है संदीप गर्ग, मदर वीना गर्ग, माता जी जिनका नाम है वीना गर्ग, और नेक्स्ट है सुहानी गर्ग, यानी कि काव्या की सिस्टर है इसका नेम है सुहानी, और काव्या गर्ग यंगर देन सुहानी, ये काव्या की तस्वीर है जो कि सुहानी से छोटा है। अब आगे पढ़ेंगे, द पिक्चर अबो शोज काव्यास फैमिली ट्री, ऊपर की ये जो तस्वीरें हैं काव्या के वंश वृक्ष को दर्शाती है। ए फैमिली ट्रीज शोज हाउ मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। वंश वृक्ष है ये दर्शाता है कि एक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं। अब टाइम टू ट्राई, जितना हमने पढ़ लिया उसमें से हम ट्राई करेंगे, हमें पता चलेगा कितने मेंबर हैं, किसका रिलेशन कौन क्या लगता है। अब ये पढ़ेंगे, नाउ फाइंड आउट अबाउट काव्यास फैमिली, अब हम काव्या के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर बैलेंस मेंबर्स इन काव्यास फैमिली, यानी कि काव्या के फैमिली में परिवार में कितने मेंबर थे, 6। नेक्स्ट लाइन, रमेश गर्ग इज सुहानीज, यानी कि जो रमेश गर्ग है वो सुहानी के क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं, दादाजी जो हमने अभी पढ़ा है उसमें आपको पता चल जाएगा कि रमेश गर्ग सुहानी के क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, सुहानी इज काव्यास बैलेंस, सुहानी काव्या की क्या लगती है, सिस्टर बहन। संदीप इज वीनास बैलेंस, संदीप वीना के क्या लगते हैं, संदीप हैं वीना के हस्बैंड यानी कि पति और काव्या के पापा जी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, इसका अर्थ होता है परिवार के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं परिवार। वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं सदस्य, हम परिवार में अपने घर में अपने सदस्यों के साथ रहते हैं। फैमिली मेंबर्स लव केयर एंड हेल्प ईच अदर,
लव मीन होता है प्यार, कर प्यार से, केयर सुरक्षा करना, एंड हेल्प ईच अदर एक दूसरे की सहायता करना, यानी कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। फैमिली कैन बी बिग स्मॉल और जॉइंट, परिवार बड़ा भी हो सकता है, छोटा और संयुक्त भी हो सकता है। फॉलोइंग्स आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ फैमिलीज, नीचे तीन प्रकार के परिवार को दिखाया गया है। नंबर वन है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, यानी कि इसको छोटा परिवार भी बोलते हैं। ए फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विद देयर वन और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एक परिवार जिसमें माता पिता अपने एक या दो बच्चों के साथ रहते हैं उसको एकल या छोटा परिवार बोलते हैं। इन ए बिग न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स हैव थ्री और मोर चिल्ड्रन, एक बड़े एकल परिवार में माता पिता अपने तीन या इससे अधिक बच्चों के साथ रहते हैं। लार्ज फैमिली बड़ा परिवार, ए लार्ज फैमिली इज वन इन विच वी लिव विद अवर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, पेरेंट्स होते हैं माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी, और सिबलिंग बोलते हैं जिनको सहोदर, एक माँ की संतानें बोल सकते हैं, सगे भाई बहन बोल सकते हैं, या सहोदर भी बोल सकते हैं, यानी कि एक बड़ा परिवार है उसमें हम अपने सहोदर, अपने माता पिता, अपने दादा दादी जी के साथ रहते हैं। नेक्स्ट ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, ए फैमिली इन विच पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजन्स एंड सिबलिंग्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली, कज़न होते हैं चाचा चाची के जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती है उनको चचेरे भाई बहन बोलते हैं, वो होते हैं कज़न्स। एक परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी जी, चाचा चाची और उनके बच्चे और सहोदर साथ रहते हैं तो वो परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। इट हैज़ मैनी मेम्बर्स, इसमें कई सदस्य होते हैं। दे स्टे टुगेदर इन द सेम हाउस, वे एक ही घर में साथ रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली एकल अभिभावक परिवार, सम चिल्ड्रन लिव विद आइदर देयर मदर और देयर फादर, सच फैमिली इज कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट फैमिली। एकल अभिभावक परिवार क्या होता है, इसमें कुछ बच्चे होते हैं या तो वो अपने पापा जी के साथ रहते हैं या अपनी मम्मी जी के साथ रहते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या बोलेंगे, एकल अभिभावक परिवार। अभी जैसे पिक्चर दी गई है, इसमें फर्स्ट पिक्चर में है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार दिया गया है, बताया गया है इसमें भी एकल परिवार होता है जिसमें एक या दो बच्चे होते हैं और माता पिता होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में लार्ज फैमिली बड़ा परिवार दिखाया गया है, इसमें माता पिता के साथ बच्चे और दादा दादी भी रहते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची और उनके बच्चे हैं। और नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली एकल अभिभावक परिवार, जिसमें बच्चे या तो अपनी मम्मी जी के साथ रहते हैं या अपने पापा जी के साथ रहते हैं। अब है नेक्स्ट टाइम टू नो, अब हमने इतना जितना लेसन पढ़ा है इसमें हमने क्या जाना ये देखेंगे। ए पर्सन बिलोंग्स टू यूअर फैमिली इज नोन एज यूअर रिलेटिव, एक व्यक्ति जो आपके परिवार से संबंध रखता है वो आपका रिश्तेदार भी कहलाता है या संबंधी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन यूअर फादर्स पेरेंट्स आर यूअर पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स, यानी कि आपके पिताजी के जो माता पिता हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पैतृक दादा दादी जी। एंड यूअर मदर्स पेरेंट्स आर यूअर मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स, और आपकी मम्मी जी यानी कि माता जी के जो माता पिता हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स यानी कि नाना और नानी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को ध्यान से पढ़ना, इसके वर्ड मीनिंग भी मैंने राइट करा रखे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना और लेसन को अच्छे से पढ़ना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।